and press the bell icon to never miss a video from two IITians. Let ABC be a right triangle in which AB is equal to 6 cm, BC is equal to 8 cm and angle B is equal to 90 degree. तो हम लोग ऐसा कुछ बना रहे हैं यहां पर कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ये 90 डिग्री है एंगल बी, और बीसी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, एबी जो है वो 6 सेंटीमीटर है. और फिर क्या हम लोग कर रहे हैं कि बीडी जो है एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं बी से एसी पर, यानी इस पे एक परपेंडिकुलर डाला. और फिर क्या हम लोग कर रहे हैं कि एक सर्कल थ्रू बी डी, डी बना लिया तो सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन. तो हम लोग ने मतलब ये तीन पॉइंट जो है बी सी डी उनको लेते हुए एक दो तीन पॉइंट एक सर्कल बनाया. यहां तो सर्कल जैसा नहीं दिखेगा, ये सर्कल बनाया, ठीक है. और कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल. अब पॉइंट ए से हम लोग टेंजेंट बना रहे हैं. तो हो क्या रहा है कि यार एक टेंजेंट तो ए भी हो गया है और दूसरा टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा. मतलब एक टेंजेंट तो ये है, यहां पे नहीं लग रहा है टेंजेंट जैसा, तो लेकिन है ये, और दूसरा टेंजेंट ये हो जाएगा. तो ये दो टेंजेंट हो गए हमारे, एक हो गया ए बी और दूसरा हम लोग मान लीजिए कुछ और नाम दे देंगे. तो इसी को बनाना है हम लोग को. तो शुरुआत हम लोग करते हैं कम से कम बी सी बनाने से, है ना. बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो मैंने तो मेरा स्केल ही 6 सेंटीमीटर का है, तो थोड़ा सा काम मैंने पहले से कर दिया है. ओके, अब आप मेजर करेंगे तो देखिए ये है 6 2 8, है ना. तो बीसी हमारा हो गया कितना 8 सेंटीमीटर. इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, इस पॉइंट का नाम दे दिया सी. और उसके बाद अब हमें ए बी बनाना है 90 डिग्री, है ना. ए बी लाइन ऐसी हो ताकि ए बी सी 90 डिग्री हो जाए. थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करेंगे क्योंकि 90 डिग्री बनाने में वो काम आएगा. बी पर 90 डिग्री अब हम लोग ने बना लिया है, और अब हम लोग इसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं जितना अभी तक काम किया. ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी विद बी सी 8 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. जो यहाँ पे बना हुआ है वही यहाँ पे लिख दिया है. अभी तो थोड़ा काम बाकी है अपना, राइट एंगल ट्राइंगल पूरा नहीं हो पाया है तो देख लेते हैं. और यहाँ पे हम लोग को ए बी 6 सेंटीमीटर लेना है, तो ऑलरेडी मैंने इसमें 6 सेंटीमीटर ले रखा है. और यहां से हम लोग एक आर्क बनाएंगे, तो इस तरह से हम लोग ने पॉइंट ए लोकेट कर लिया है. पॉइंट ए किधर है, ये है पॉइंट ए, ये रहा आपका पॉइंट ए. अब आप क्या करेंगे, ए को सी से जोड़ देंगे. अब बी से परपेंडिकुलर डालते हैं. परपेंडिकुलर डालने के लिए एक इस तरह से कट बनाया, और उसके बाद ये थोड़ा सा आगे जा रहा है.
बच गया रिटर्न मटेरियल को क्रॉस नहीं किया। अब बी को हम लोग इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन में जो ये बात लिखी है BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC, तो इस तरह से ये पॉइंट हमारा D हो गया। इसको हम लोग मार्क कर देते हैं पॉइंट D, इधर लिख लेते हैं। अब हमें सर्कल थ्रू BCD बनाना है, यानी एक सर्कल ऐसा बनाना है, ये जो बना हुआ है सर्कल बनाने के लिए हम लोगों ने BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं, उसी तरह BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया और हमने पाया कि दोनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो पॉइंट BC पर ही लाई कर रहा है। ठीक है, और हमने क्या कहा था, From B draw perpendicular BD perpendicular to AC, draw BD perpendicular to AC। तो ये 90 डिग्री है, जाहिर है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, तो ये जो है ये हाइपोटेन्यूस है, और अब ये हाइपोटेन्यूस इसके चारों तरफ बनने वाले सर्कल का डायमीटर की तरह काम करेगा। BC जो है अब आगे आने वाले सर्कल के डायमीटर की तरह काम करेगा, इसीलिए जो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाई गई थी वो BC के मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही मिड पॉइंट आने वाले सर्कल के सेंटर की तरह फंक्शन करेगा। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ BD एंड BC, BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, विच इंटरसेक्ट एट O, और हम लोग ऐसे डिस्कस कर चुके हैं ये पॉइंट O तो BC पर ही लाए करता है। अब पॉइंट O को सेंटर लेते हुए हम लोग सर्कल बनाएंगे, और ये सर्कल तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हमारी ये बात कि जो द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन वो बात पूरी हो चुकी है। टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ बी एज रेडियस, ओ को सेंटर लिया, ओ बी रेडियस लिया, ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू बी सी डी, जॉइन ओ ए, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए, है ना। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनने वाला है, दो क्रॉसिंग पॉइंट्स हम लोगों ने ढूंढ लिए हैं, हमेशा आदत रखिए कि थोड़ा सा आगे तक ले जाइए इसे, थोड़ा सा आगे तक ले जाइए। ओके, तो ये जो पॉइंट अब आ गया, ध्यान दीजिए, आप गलती से कोई और पॉइंट ना मार्क कर ले, ये पॉइंट ओ ए में जो लाई करता है
वो है पॉइंट एम। अब पॉइंट एम से एक फिर से सर्कल बनाएंगे हम लोग विथ एम एज सेंटर, एम को सेंटर लिया एंड ए एम एज रेडियस, ड्रॉ आ सर्कल टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्कल एट। बड़ी बात यह है कि वो बी से ही पास हो रहा है और दूसरा जो क्रॉसिंग पॉइंट है पिछले वाले सर्कल से वो है टी। टी नाम दे दिया अपना क्योंकि हम लोग एक टेंजेंट ए बी बना रहे हैं और दूसरा टेंजेंट ए टी बनाने जा रहे हैं। तो बन गया टेंजेंट, लिख देते हैं जॉइन AT एंड AB। तो AB तो पहले से ही ज्वाइन था, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया है टेंजेंट्स को दिखाने के लिए। Therefore, AT एंड AB आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक है, तो सारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट अब तक हो चुका है। तो ये है हमारा फाइनल कंस्ट्रक्टेड डायग्राम, जितना बोला गया था उतना सब कुछ हम लोग बना चुके हैं। देखिए ट्रायंगल एबीसी था जहां एबी 6, बीसी 8 और एंगल बी 90 डिग्री। तो बीसी हमारा है कितना, 8 सेंटीमीटर, ये रहा बीसी। और एबी कितना है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल बी जो है वो है 90 डिग्री। बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये भी हो चुका है। द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन, तो वो सर्कल ये रहा। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल, ए पॉइंट से एक टेंजेंट ये गया, दूसरा टेंजेंट ये गया, तो सब कुछ बन चुका है। अब आते हैं हम लोग जस्टिफिकेशन पे। एंगल बी डी सी 90 डिग्री है, जस्टिफिकेशन शुरू हो चुका है। बी डी सी ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि हमें गिवन था कि आपको ऐसा बनाना ही है। बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है भाई, ये है। अब इसकी वजह से हमें यह कहना पड़ेगा कि BC जो है वो डायमीटर है, दिस इंप्लाइज BC इज डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, रीजन उसका यह है कि हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ये है, इसका हाइपोटेन्यूज है इज द डायमीटर इन अ सर्कल, राइट एंगल ट्राइंगल इज द डायमीटर इन अ सर्कल। जॉइन ओबी, ओबी इज इक्वल टू ओटी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कहां पे है ओबी, ये है ओबी और फिर उसके बाद ओटी, हमने जॉइन ओटी है यहां पे बच्चों, ये ओटी जॉइन किया हम लोगों ने। तो ओबी इज इक्वल टू ओटी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्योंकि हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर का आधा 4 सेंटीमीटर का सर्कल यहां पे बनाया है ना। और इसका रीजन हम लोग यहां पे लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। आपको बिल्कुल याद होगा जब हम लोगों ने बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट कराया था तो पॉइंट ओ में आया था। तो जाहिर है कि जब बीसी 8 सेंटीमीटर है तो बीओ या ओबी 4 सेंटीमीटर होगा। अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल एबीओ में।
ये है ट्रायंगल ए बी ओ, है ना। और यहां पे हम लोगों ने 90 डिग्री मार्क किया है एंगल बी पर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, वही यहां पर बना हुआ है रेड कलर से। और हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर। बहुत ही सिंपल कारण है, पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें पता है कि ओ बी 4 सेंटीमीटर है, हमें पता है कि ए बी 6 सेंटीमीटर है, तो ए ओ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए बी है 6 स्क्वायर, ओ बी है 4, तो 4 स्क्वायर ए ओ स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 36 प्लस 16 इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आगे हमें ए ओ स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। लास्ट रिजल्ट लिख लिया हम लोगों ने, अब आते हैं हम लोग इन ट्राइंगल ए टी ओ। देखो ए क्या है, ए टी ओ क्या है, ए टी ओ। तो ये जिस तरह से बना है वैसे ही बना रहा हूं मैं। ये 90 डिग्री है, ये रहा आपका टी, ये रहा ओ, सॉरी ये रहा ए टी ओ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर, है ना। और हम लोग देख चुके थे कि ओ टी और ओ बी एक दूसरे के बराबर है। यहां पे भी रीजन पाइथागोरस ही है। और ए ओ स्क्वायर हो गया 52, ऊपर से आ रहा है, और 80 हमें कैलकुलेट करना है। ओ टी जो है ओ बी के बराबर, यानी 4 सेंटीमीटर है। 4 स्क्वायर 52 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 16, इसका मतलब 80 स्क्वायर हुआ 52 माइनस 16 यानी कि 36, और इसका मतलब 80 हुआ 6 सेंटीमीटर। 80 हमने 6 सेंटीमीटर निकाला, और ए बी हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये गिवन से आया और ये हमने कैलकुलेट किया। अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ऐसा हम लोग ने किया भी है। सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट ए लिया और वहां से एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाया। तो ये तो जस्टिफाई काफी हद तक हो गया। दीज टू टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ये देखिए 86 सेंटीमीटर आया और ए बी 6 सेंटीमीटर पहले से ही था। ए बी पहले से था, 80 भी 6 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जस्टिफाई कर लिया कि ए बी इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये मैमथ क्वेश्चन हम लोगों ने अब निपटा लिया है। तो इसी खुशी में हम लोग नीचे रेड बक्सा पहना देते हैं। सो दिस इज डन नाउ।